सो वेरी गुड मॉर्निंग. आज अपना जो लेक्चर है वो रहने वाला है एटीपी. व्हाट इज द एटीपी? एटीपी आखिरकार क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि अपन कुछ भी पढ़ लो, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लो, ईटीएस पढ़ लो, या क्रेब साइकिल पढ़ लो, कुछ भी अपन पढ़ लेते हैं, कोई भी पाथवे अपन पढ़ लेते हैं, तो हर जगह एक नाम आपको जरूर सुनने को मिल सकता है, एटीपी एटीपी एटीपी. तो व्हाट इज द एटीपी? आज इसी एटीपी को अपन देखेंगे कि आखिरकार ये एटीपी है क्या जो अपन हर जगह इसको पढ़ते हैं. तो देखिए, सबसे पहले एटीपी पढ़ लेते हैं. तो एटीपी होती है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड होता है. क्या होता है भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट. तो एटीपी क्या है? एटीपी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड. तो एटीपी क्या है भाई? एक बायोलॉजिकल कंपाउंड होता है. तो भाई अपन एटीपी पढ़ तो लिया, बायोलॉजिकल कंपाउंड है, तो इसके लिए अपन को फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए ना कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है. तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. क्या होती है भाई? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट एटीपी की क्या होगी भाई? फुल फॉर्म होगी. तो ये चीज अपन को पता चल गई कि एडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. अब ये जो एटीपी होती है ना, अब इस एटीपी की डिस्कवरी किसने की थी, इसको क्या है, डिस्कवर किसने किया था, ये भी तो एक सवाल आ जाता है कि इसको डिस्कवर भाई किसने किया है. तो इसको डिस्कवर किया है कार्ल, किसने किया है, कार्ल लोहेमे. किसने किया है? कार्ल लोहेमे ने क्या किया है भाई? एटीपी को डिस्कवर किया है. दैट्स क्लियर. ओके, अब ये जो एटीपी होती है ना, अब जैसे आप सबको पता है कि भाई कोई भी आप स्टेट, कोई भी मतलब आप कंट्री मान लीजिए, कोई भी कंट्री मान लीजिए, हर कंट्री की क्या होती है, एक करेंसी होती है. जैसे अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, ठीक वैसे ही आपको यह पता होना चाहिए कि जो अपनी सेल होती है ना, जो अपनी कोशिका होती है, इसकी भी क्या है भाई, एक करेंसी होती है. अब वो करेंसी कौन सी होती है? तो सेल की करेंसी कौन सी होती है? एटीपी होती है. क्या होती है भाई? सेल की करेंसी क्या होती है? एटीपी. जैसे अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया की करेंसी क्या है? रुपया है. ठीक वैसे ही अपनी जो सेल होती है, उस सेल की भी करेंसी है, उसको अपन बोलते हैं एटीपी बोलते हैं. दैट्स क्लियर. तो भाई सेल की करेंसी, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेल की करेंसी कौन सी है, तो वो एटीपी है. फुल फॉर्म पूछ लीजिए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया. और एटीपी क्या है? एक बायोलॉजिकल कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट. और इसकी डिस्कवर किसने किया था, खोजा किसने था, इसको खोजा था कार्ल लोहेमे ने खोजा था. दैट्स क्लियर. अब देखिए, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये अपन ने क्या पढ़ी है, इसकी फुल फॉर्म पढ़ी है. तो देखिए, ये जो एडीएन एडिनो है, तो एडीएन है, एडिन है, इसे ये एडिन कहां से है? अपन ने जो, जब अपन ने डीएनए के बारे में अपन पढ़ते हैं तो आपने नाम सुना होगा एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन, ये सिर्फ सारे नाम सुने. तो जो एडिनोसिन होता है वो किससे बना है, वर्ड किससे बना है, एडिनिन प्लस राइबोस. एडिनिन प्लस राइबोस दोनों मिलके क्या बनाते हैं भाई, एडिनोसिन बनाते हैं. एडिनिन और राइबोस दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एडिनोसिन. तो एडिनोसिन वर्ड को अपन काटे तो एडिनोसिन कहां से आया है, एडिनिन से, एंड राइबोस सुगर से क्या आया है भाई, एडिनिन आया. और ट्राइफॉस्फेट क्या हो गया, फॉस्फेट के तीन समूह है, जैसे 3PO मतलब 4, क्या आ गया 3PO4, ये क्या आ गया भाई, ट्राई फॉस्फेट आ गया. क्या आ गया, ट्राई फॉस्फेट आ गया. तो एडिनिन, राइबोस एंड तीन फॉस्फेट समूह, ये मिलके क्या बना देते हैं भाई, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. एडिनिन का क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं. अब देखिए, तीन समूह मिल रहे हैं, मतलब तीन यदि फॉस्फेट, जैसे अपन बात करते हैं, देखिए एडिनिन मतलब एडिनिन एंड राइबोस दोनों को साथ में अपन मिला के लिखते हैं एडिनोसिन. एडिनोसिन, यदि जो एडिनोसिन है इसके साथ में यदि तीन क्या मिल जाए भाई, फॉस्फेट समूह मिल जाए, तीन फॉस्फेट समूह मिल जाए, तो क्या होगा, उसको बोलेंगे अपन एटीपी. उसको क्या बोलेंगे भाई, एटीपी. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या हो गया, एडिनोसिन तीन फॉस्फेट समूह आ गया तो क्या आ गया, ट्राइफॉस्फेट आ गया. ठीक ऐसे ही यदि जो एडिनोसिन है ये एडिनोसिन के साथ में दो फॉस्फेट समूह जुड़ जाए, एडिनोसिन के साथ क्या, दो फॉस्फेट समूह बन जाए, तो क्या आ जाता है, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. क्या आ गया, कि दो फॉस्फेट समूह आ गए तो दो को क्या बोलते हैं, डाई, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट आ गया. ठीक ऐसे ही यदि एडिनोसिन के साथ में एक फॉस्फेट समूह जुड़ जाए तो उसको भाई क्या बोलते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एएमपी.
क्या बोल देते हैं एएमपी। ये तीनों आप नाम ने सुना होंगे। एटीपी से क्या बनता है एडीपी एंड क्या बनता है एडीपी मोनोफोस्फेट, एडिनोसिन मोनोफोस्फेट बन जाता है। कब बनता है जब एनर्जी की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होते हैं जो फोस्फेट वाले जो बॉन्ड होते हैं तीन में से एक बॉन्ड हट जाएगा जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी तो दो फॉस्फेट समूह बचेंगे तो क्या बन जाएगा एटीपी से एडीपी मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी तो एटीपी से क्या बन जाएगा एएमपी या एडीपी से क्या बन जाएगा भाई एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा। तो ये आपको पता चल गया कि एटीपी क्या है एडीपी क्या है एएमपी क्या है। अब अपन के स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं फिर अपन इसको स्ट्रक्चर की बात करें। एडिनोसिन डाई फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट इन सबकी यदि स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करते हैं कि भाई एटीपी की स्ट्रक्चर कैसी होती है तो अभी अपन ने बात किया कि एटीपी की फुल फॉर्म में क्या जुड़ रहा था एक तो एडिनिन समूह जुड़ रहा था मतलब एडिनिन जुड़ रहा था एक राइबोज समूह जुड़ रहा था और साथ में क्या जुड़ रहे थे तीन फॉस्फेट समूह क्या हो रहे थे भाई जुड़ रहे थे। यही तो क्या है भाई अपनी एटीपी है। ठीक ऐसे ही अपन स्ट्रक्चर बनाए तो देखिए राइबोज समूह की स्ट्रक्चर बनाते हैं ये क्या हो गया भाई अपना ये क्या हो गया ये हो गया राइबोस समूह बन गया। अब ये राइबोस समूह बना है इसके साथ में क्या अपन ऐड कर देंगे इसके साथ में क्या अपन ऐड कर देते हैं आपकी एडिनिन। क्या हुआ ऐड कर दी एडिनिन राइबोस समूह है और क्या हो जाएगा तीन फॉस्फेट समूह कितने तीन फॉस्फेट समूह है। तो ये क्या हो गया पूरा का पूरा है वो। अब देखिए ये क्या है एडिनिन और ये क्या है आपका राइबोस समूह है और ये आपका क्या है फॉस्फेट समूह है। तो क्या बन गया ये बन गई आपकी भाई एटीपी। क्या बन गई आपकी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अंदर एक राइबोस समूह होगा एक एडिनिन समूह होगा और तीन क्या होंगे फॉस्फेट समूह। ये स्ट्रक्चर किसकी होगी भाई एटीपी की। अब अपन जो अपनी बात करें कि जो एडीपी थी और जो एएमपी थी इनकी बात करें तो एडीपी की यदि अपन बात करें तो एक फॉस्फेट समूह अपन हटा देंगे तो क्या हो गया एडिनोसिन डाई क्या आ गया फॉस्फेट क्योंकि पूरी की पूरी क्या है एडिनोसिन एडिनिन और राइबोज मिलके तो क्या बनाते हैं एडिनोसिन दो फॉस्फेट आ गए तो डाई फॉस्फेट एडिनोसिन डाई फॉस्फेट हो गया। तो एटीपी का अपन को पता हो गया तीन फॉस्फेट समूह हो गए तो एटीपी दो फॉस्फेट समूह आ गए तो एडीपी और एएमपी। अब यदि एक फॉस्फेट समूह है और अपन हटा दे तो क्या बन गया एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक फॉस्फेट। जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी ये चीज टूटेगी तो क्या होगा एटीपी एनर्जी जो कंज्यूम हो जाएगी एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में और एडीपी एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट्स क्लियर। ये चीज आपको क्या होगी पता चल गई कि भाई एटीपी का जो मेन जो रोल है एटीपी क्या है अपने सेल की करेंसी बोला जाता है और इसको क्या बोलते हैं पावर फैक्ट्री बोला जाता है क्योंकि यहां पे क्या बनती है एनर्जी बन रही है तो इसको क्या बोल सकते हैं एटीपी को पावर फैक्ट्री क्योंकि ये क्या बना रही है भाई एनर्जी बना रही है करेंसी बना रही है किसके रूप में एटीपी के रूप में एनर्जी के रूप में। अब अपन इसके यूज की बात कर लेते हैं यूज की बात करें कि भाई एटीपी का यूज कहां कहां अपन कर सकते हैं किस किस जगह पे अपन क्या है भाई एटीपी का यूज कर सकते हैं। तो एटीपी के यूज के बारे में अपन देखें तो इसका यूज हो सकता है मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। जब मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है तब अपन को किसकी रिक्वायरमेंट रहती है एनर्जी की तो कहां यूज हो सकता है मसल कॉन्ट्रेक्शन में हो सकता है साथ ही कहां हो सकता है नर्व इंपल्स प्रोपागेशन नर्व इंपल्स प्रोपागेशन। देखिए यहां मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि भाई एटीपी क्या है नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे तो वहां से आप नोट्स ले लीजिएगा यहां आप सिर्फ समझ लीजिए। तो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में हो गया जो आपकी नर्व इंपल्स जब प्रोपागेशन होता है उसमें हो गया और जो पॉलीमर का सिंथेसिस होता है पॉलीमर जो सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें भी अपन किसका यूज करते हैं भाई एटीपी का यूज हो सकता है। इसके साथ में जो केमिकल सिंथेसिस हो जाता है केमिकल सिंथेसिस में किसका यूज हो जाता है एटीपी का यूज होता है। इसके साथ में जो डीएनए एंड जो आरएनए का सिंथेसिस होता है उसमें भी क्या होता है भाई किसकी रिक्वायरमेंट रहती है अपन को एटीपी की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके साथ में अपन बात करें जो डीएनए का रिप्लिकेशन जिस टाइम पे होता है
डीएनए का रेप्लिकेशन एंड जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन है उस प्रोसेस में भी क्या होता है, अपन को एटीपी की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके साथ में जो इलेक्ट्रॉन ईटीएस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसके साथ में ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है उसके प्रोडक्शन के अंदर भी ईटीएस का प्रोडक्शन हुआ, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्शन हुआ या इनका यूज हुआ, उस समय भी क्या होती है भाई एटीपी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो कुल मिला के बात होगी कि एटीपी क्या है, एक बायोलॉजिकल कंपाउंड है, और सेल की क्या है, करेंसी है। मेन इतनी चीज हो गई, फुल फॉर्म हो गया इसका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसकी खोज की थी कॉर्ल लोहेमैन ने, और इसका यूज कहां किया जाता है, बहुत सारी जगह इसका यूज किया जाता है, क्रेब्स साइकिल में भी यूज किया जा सकता है, बीटा ऑक्सीडेशन में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो यूजेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपन हर जगह एटीपी पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, जब शरीर को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है तो क्या होती है, जो फॉस्फेट समूह होता है वो टूट जाता है, तो एटीपी से क्या बन जाता है, एडीपी, और एडीपी से क्या बन जाता है, एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो एटीपी क्या करती है भाई, एटीपी का काम क्या है, ये एक फैक्ट्री है, एनर्जी फैक्ट्री के रूप में अपन इस एटीपी को जान सकते हैं। तो ये थी एटीपी के ऊपर छोटा सा लेक्चर, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो आप मेरे को कमेंट में सजेस्ट कीजिए कि सर इस टॉपिक पे लेक्चर बना दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे लेक्चर बनाने की एकदम इजी वे के अंदर। और नोट्स आपको प्रॉपरली मिल रहे हैं टेलीग्राम के ऊपर, वहां से आप यहां से जब समझ दीजिए, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, थैंक यू।